हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। टीचिंग से जुड़ी जितनी भी रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है, चाहे वह सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसी हो, वो सभी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताती हूँ, ताकि आप लोग समय पर जो है फॉर्म फिल कर सकें और जल्द से जल्द आपकी जॉब लगे। इसके अलावा भी अगर कोई वैकेंसी होती है और मुझे लगता है कि आप लोग वहाँ पर भी जो है एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेशन में कोई जिनको रिक्वायरमेंट है अच्छी पोस्ट पर जाने की, और जहां वैकेंसी रेगुलर पोस्ट या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको एक ही जगह पर मिले, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी जो है अपॉर्चुनिटी आ गई है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट वित्त मंत्रालय विभाग की तरफ से। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे, लेकिन यहां पर जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। बिना एक्सपीरियंस के आप लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पे स्केल की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी जो है पेमेंट आप लोगों को मिलेगी, 1 लाख से अधिक जो है सैलरी यहां पर मंथ रेगुलर पोस्ट पर, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है अलग अलग सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए दी गई है। तो चलिए मेन वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं, जैसे हमेशा की तरह हम लोग करते हैं। पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब जो है इस चैनल के माध्यम से मिली है, आगे भी मिलती रहेगी। तो अगर आपके पास जो है क्वालिफिकेशन है, जैसा कि वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आप लोग फॉर्म फिल करें, समय से पहले करें, और अगर आपके कोई रिलेटिव में है तो उनको बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी मेन वेबसाइट पर आना है। राष्ट्रीय आवास बैंक से जो है वैकेंसी आई है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ये वित्त मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को सबसे पहले कहाँ पर जाना है, सबसे पहले नीचे आप जाएंगे, क्विक लिंक से लिखा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी पे आप लोगों को क्लिक करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4th फोर्थ नंबर पर आपको दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज वाला ये पूरा पेज ओपन हो गया। करंट एडवर्टीजमेंट यानी हाल ही में जो एडवर्टीजमेंट आई है वो आपके सामने आ जाएगी 27 सितंबर 2023। तो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ मिल जाएगा, जिसे हम अभी देखने वाले हैं। सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो है जैसे ही आप विज्ञापन को पढ़ लेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद जो है आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो चलिए अब जो है हम देखने वाले हैं एडवर्टीजमेंट। नेशनल हाउसिंग बैंक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, यहां से वैकेंसी आई है। द नेशनल हाउसिंग बैंक इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट के लिए है, और आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस, दोनों ही बेस पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ दी गई है, जैसे कि रेगुलर पोस्ट में जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइनेंस जनरल मैनेजर की है, उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की है, इकोनॉमिस्ट की है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हिंदी की है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी अलग से वैकेंसी है, चीफ इकोनॉमिस्ट की, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर की, एप्लीकेशन डेवलपर की, सीनियर प्रोजेक्ट फिनांस ऑफिसर की, प्रोजेक्ट फिनांस ऑफिसर की, इस तरीके से ये कुल कितनी पोस्ट है, 43 पोस्ट है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। और एक जो वैकेंसी रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो वो है असिस्टेंट मैनेजर की, एक ही पोस्ट जो कि रिजर्व है पहले से ही। अब हम यहां पर देखेंगे एज, एज यहां पर जो है आप देख सकते हैं एज सभी के लिए मैक्सिमम जो एज है 62 ईयर है चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। उसके बाद जो रेगुलर पोस्ट है उनके लिए 50 जो है 32, 55, 32, 30, ठीक है, इस तरीके से दी गई है। तो आप अच्छे से इसको देख लेंगे। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स SC ST OBC PWD, इन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5 साल दिया गया है SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, PWD के लिए भी 10, 15, 13 साल इस तरीके से दिया गया, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का मिनिमम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बताया कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा ही गया है, बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सैलरी देखेंगे, सैलरी की अगर मैं आपको बात यहाँ पर करूँ, तो इतनी अच्छी जो है सैलरी है कि आपको जो है दूसरी जगह कुछ भी जो है सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए सैलरी, जो रेगुलर पोस्ट है तो उनको यहाँ पर स्केल 7, स्केल 6, स्केल 5, स्केल 1 और 2, इसके अकॉर्डिंग जो है सैलरी मिलेगी, ठीक है। और सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप, 1 लाख से अधिक जो है सैलरी यहाँ पर
लिखी हुई है, ठीक है, और ये रेगुलर परमानेंट जॉब है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो है चीफ इकोनॉमिस्ट की है, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर की है, एप्लीकेशन डेवलपर की है, सीनियर प्रोजेक्ट फिनांस ऑफिसर और प्रोजेक्ट फिनांस ऑफिसर। तो यहाँ पर इनकी जो सैलरी है तो ये जो है आप देख सकते हैं 1.25 लाख पर मंथ, ठीक है, क्योंकि ये जो है रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। और सभी में जो है वो एक्सपीरियंस तो चाहिए ही। क्वालिफिकेशन जो है क्या मांगा गया है, तो अब चलिए मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है एप्लीकेशन डेवलपर के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीई, बीटेक, एमसीए या एमटेक या बीएससी या एमएससी आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए भी जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और आईटी में डिग्री मांगी गई है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिनांस ऑफिसर के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है, ऑफिसर विद मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर इन SCBS, यहाँ पर जो है आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट जो है 15 साल तक का जो है एक्सपीरियंस, यहाँ पर मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा गया। ये सभी जो है ऑफिसर्स की पोस्ट हैं। डिप्टी मैनेजर की जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है स्टैटिस्टिक में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा ऑपरेशन रिसर्च में होना चाहिए। एमफिल पीएचडी अगर आपने किया है तो और भी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो है आपने काम किया हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इकोनॉमिक्स से अगर आपने किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्टी मैनेजर के लिए, ये रेगुलर पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर रेगुलर पोस्ट है। अगर आपने यहाँ पर पीजी इकोनॉमिक्स से किया है, डिप्टी जनरल मैनेजर अगर आपके पास सीए है, 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, जनरल मैनेजर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, और चीफ इकोनॉमिस्ट, तो मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पर जो जितनी भी क्वालिफिकेशन है सभी में जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा ही गया है। यहाँ पर जो है आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 200 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरेंस पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पर 4 सेक्शन में आपका ये एग्जाम होने वाला है। पेमेंट मैंने आप लोगों को बता दी है। एग्जाम जो है आपका कहाँ होगा, सेंटर जो है इन्होंने पहले से ही डिसाइड किए हैं, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जयपुर में भी जो है यहाँ सेंटर रहने वाला है, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, लखनऊ में मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, ये जो है सेंटर रहेंगे। कैसे अप्लाई करना है, अब सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो अप्लाई जो है वो 28 सितंबर 2023, और जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर 28 सितंबर 2023 से 18 अक्टूबर तक जो है पेमेंट ऑफ फीस आप लोग यहाँ पर पे कर सकते हैं। फीस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नेशनल हाउसिंग बैंक की मेन वेबसाइट पर जाना है, www.nhb.org। उसके बाद opportunity@nhb, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया था और स्क्रीन में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा था। फिर करंट वैकेंसी पे जाना है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस पोस्ट 2023, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन ऊपर मिलेगा, नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन मिलेगा। हिंदी के लिए जो है यहाँ पर एक ही पोस्ट थी, और यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री इन हिंदी में मांगा गया है 60% अंकों के साथ, या फिर मास्टर डिग्री हिंदी में 50% अंकों के साथ, और इंग्लिश भी साथ में आपके पास सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।